जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाते रख दी। और ये धमाका करने वाला शायद सिर्फ 19 साल का, जिसके 19 साल भी खत्म नहीं हुए थे, ऐसा लड़का जिसका नाम था खुदीराम बोस। बंगाल के एक छोटे से गांव मोहबनी में उनका जन्म हुआ। 6 साल की उम्र में उनके माता पिता का देहांत हो गया। बड़ी बहन ने बड़े प्यार से खुदीराम का जतन किया। जब ये खुदीराम 15 साल के हुए तो उनकी मुलाकात हुई भारत के एक विद्वान से, जिनको हम श्री अरबिंदो के नाम से जानते हैं। अरबिंदो के स्वतंत्रता को लेकर जो भी विचार थे, विचारों से खुदीराम इतना प्रभावित हुए कि 15 साल की उम्र में ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को ज्वाइन कर लिया। और 18 साल की उम्र में आज जो बिहार में मुजफ्फरपुर है, उस मुजफ्फरपुर में एक अंग्रेज जज पर उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया। उनके साथ प्रफुल्ल चाकी भी थे। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस बॉम्ब फेंकने के बाद वहां से निकल तो लिए, दोनों ने अलग अलग रास्ते अपनाए, लेकिन वो वापस बंगाल तक नहीं पहुंच पाए। प्रफुल्ल चाकी को रास्ते में ही ब्रिटिशर्स के साथ मुठभेड़ हो गई और उन्होंने अपने आप को, जब उनके पास आखिरी एक गोली बची थी, उन्होंने खुद को मार लिया। खुदीराम बोस पकड़े गए, लेकिन ये 18 साल का लड़का कोई मामूली लड़का नहीं था, वो एक आग का गोला था। और ब्रिटिश साम्राज्य ने यह सोचा कि इस आग के गोले को संभालने से बेहतर यह है कि इसको फांसी पे लटका दो, और उस 18 साल के लड़के को फांसी की सजा दी गई। ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द यंगेस्ट मार्टियर्स ऑफ इंडिया। लेकिन जब आखिरी रात आई, जब दूसरे दिन सुबह में उनको फांसी देने वाले हैं, उस आखिरी रात में भी खुदीराम को कोई अफसोस नहीं है, एक संतोष। ये संतोष है कि उनके एक के मरने के बाद 2-4 नहीं, हजारों खुदीराम पैदा होंगे जो ब्रिटिश साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं उस आखिरी रात में, जहां खुदीराम बोल क्या सोच रहे हैं। पन्ने लिख लेते हो, मुझसे कोई कलम भी लिखा नहीं जा रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करना दीदी, मेरे पास अभी भी बहुत सारा समय है, पूरा एक रात। तुम देखना दीदी, मैं एक पन्ना तो लिख ही लूंगा। हाँ, एक पन्ना तो लिख ही लूंगा। लेकिन दीदी, तुम चिट्ठी पढ़ोगे कैसे? पढ़ने जाओगे तो आंसू। नहीं, तुम उसे मत पढ़। तुम ना उसे दिनेश चाचा को दे देना, उनका चश्मा आंसू से पन्ना भीगने नहीं देगा। मुझे मालूम है दीदी, तुम हर रोज मेरे लिए रोते हो, और कल तो तुम पूरा दिन रोओगे। लेकिन दीदी, कल के बाद तुम देखना दीदी, 1, 2, 10, 100, पूरे 1000 खुदीराम, तुम्हारा रोना अपने आप ही बंद हो जाएगा, और फिर तुम मेरी तरह हंसोगे। यहाँ ना जोर से बात करना मना है। दो दिन पहले इन्होंने मुझे बहुत मारा था, मालूम है क्यों? जोर से वंदे मातरम बोला था ना, इसीलिए। आज भी दर्द है दीदी। लेकिन दीदी,
छोटे राम के वंदे मातरम बोलने से इनको इतना तकलीफ। कल से जब हजारों लाखों को दे राम एक साथ चिल्ला के बोलेगा वंदे मातरम, तब इन लाल बंदरों का क्या होगा। आज ना मुझसे मिलने एक लाल साहब आया था, कह रहा था खुदीराम तुमको मालूम है कल तुम्हारा फांसी होने वाला है। मैंने कहा जो पूरी दुनिया को पता है तो मुझे क्यों नहीं पता होगा। वो बोला तुम्हारी कोई इच्छा है तो बता। मैंने कहा मेरी तो बस एक ही इच्छा है, तुम सबको मार के इस देश से भगाना। मैंने सोचा अरे अब फिर से पिटाई होगी, लेकिन दीदी वो साहब अच्छा था। वो हंस के बोला और कुछ। मैंने ना उनसे एक कागज कलम मांग लिया, उसने बोला कि वो ये चिट्ठी खुद आप तक पहुंचा देगा। मालूम है दीदी फिर वो भी रो रहा। नहीं दीदी मैं नहीं रो रहा, वो तो बस साथ में कुछ चला गया। मैंने ना उनसे एक और चीज मांगी, विदा लेने से पहले मुझे जोर से वंदे मातरम बोलना है। वो ना सोच में पड़ गया, फिर तुम दबा के भाग गया। मालूम है दीदी वो डरा हुआ था, डरा हुआ। डर बेटा डर, इतना डर कि मौत भी उसके सामने छोटी पड़ जाए। कह रहे थे अरे दीदी ये क्या, मुझे मालूम पड़ा कि तुम हर रोज मेरे लिए खाना बना के भेजते हो, मालूम है वो लोग फेंक देते हैं। अरे अरे मेरा समय निकलता जा रहा है। तुम्हारा दीदी तुम्हारे लिए खाना भेजा, खा लो। क्या दीदी ने मेरे लिए खाना भेजा? माँ मुझे छोड़ दे, माँ
मैं थोड़ा घूम के आता। हंसी हंसी